आइए बावरी जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बागेश्वर जी, अब वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप दुकान जाइए, वहाँ नच्ची पापा परेशान हो रहे होंगे, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाँ बाबा, बावरी बिल्कुल सही कह रही, तू जल्दी से दुकान जा, वहाँ पे बेचारा लड्डू टेंशन में होगा। मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है बापू जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओहो, ये बागा अब तक नहीं आया, अचानक सेठ जी का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आ गया, आ गया, बागा का फोन आ गया। क्या हुआ बागा? क्या हुआ मतलब, क्या हुआ बागा को? कौन? अरे कौन क्या, मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानते नटू काका? सेठ जी आप? हाँ। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? आपको? जो कुछ नहीं हुआ है। तो फोन क्यों किया? क्यों फोन नहीं कर सकता मैं? नहीं नहीं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ सब बराबर चल रहा है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, एक मिनट, क्या ओके? अगर सब ओके है तो फिर फोन उठाता ही आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हुआ बागा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। कहाँ है बागा? बावरी के साथ घूमने गया है? नहीं नहीं सेठ जी, वो तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने गया। मैं समझा कि बागा का फोन होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ बागा, एड्रेस बराबर मिल गया? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। लो सेठ जी, बागा आ गया। सेठ जी, होल्ड डाउन, सेठ जी होल्ड डाउन। बागा, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी बराबर हो गई ना? सेठ जी, आपको बागा से बात करनी है? नहीं नहीं, ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। अच्छा सेठ जी, आप सूरत पहुंच गए? हाँ सूरत पहुंच गया, और अभी बस महेश भाई के बंगले पे ही जा रहा हूँ। चलो, कुछ हो तो फोन करना और दुकान का बराबर ध्यान रखना, ठीक है? जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। अरे भागा, ये तो बता, वहाँ हुआ क्या? बावरी को छेड़ने वाले गुंडों को बराबर सबक सिखाए कि नहीं? मैं वो टेंशन में हूँ। अरे नट्टू काका, आप टेंशन वेंशन सब छोड़ दीजिए। बापूजी ने उन गुंडों को 100 टच सोने की बात कही और उन गुंडों ने 2 मिनट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अच्छा, लेकिन बापूजी ने उन्हें ऐसा क्या कहा? वो क्या हुआ नट्टू काका? बागा, बापूजी ने तो कमाल कर दिया, सारी बात शांति से सुलझा दी। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन छोड़ और काम में ध्यान रख। अच्छा ये बता कि बापूजी और बावरी कहाँ है? नट्टू काका, बावरी जी अपने घर गई और बापूजी गए सीधे गोकुलधाम सोसाइटी। बापूजी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको गर्मा गर्म खाना खिलाना है। वैसे बारिश में गर्मा गर्म खाना बनाने का और खाना खाने का मजा कुछ और ही है, नहीं? एक्चुअली हाँ, इस वक्त सब्जियां भी बहुत हरी भरी मिलती है। सुनीता, मुझे प्लीज ये दे देना। सुनीता, पहले मुझे 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू और 100 ग्राम लौकी दे। भाभी, भाई ने उपवास रखा है। नहीं तो, महंगाई की वजह से आप थोड़ा कम कम ले रहे हैं क्या? अरे इससे कोई मत नहीं है। हाँ तो फिर 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू लेने का मतलब? हाँ, इतनी कम सब्जी क्यों ले रहे हैं? आप उमर भाभी, और आप तो मेरी सबसे बड़ी ग्राहक हो। कमाल, ये सब्जी मेरे लिए नहीं है, ये पोपटलाल भाई के लिए है। वो जाते वक्त मुझे बोल कर गए, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पहले ले रही। वैसे पोपट भौजी की जल्दी शादी हो जाए ना, तो ये सब्जी लेने का टेंशन ही उतर जाएगा उनके ऊपर। अजी गोकुल धाम की सशक्त नारी शक्ति को आत्मा राम तुकार राम पीड़ू और रोशन सिंह अजीत सिंह तोड़ी की तरफ से सत श्री अकाल। अरे नहीं नहीं दया भाभी, थोड़ी भाई आज हमारे घर खाना खाने वाले हैं। हाँ दया भाभी जी, आज तो मैं माधवी भाभी के घर जाके खाना खा रहा हूँ, कल आपके घर खाना खाने आ जाऊंगा। ठीक है फिर। और बीवी के जाने के कभी कभी कितने वादे होते हैं, और रोज नए नए ढंग का खाना खाने को मिलता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी बीवी तो यही है ना। काय बड़ा लग? नहीं नहीं कुछ नहीं। और सोड़ी भाई, परसों ना आप मेरे घर खाना खाने आइएगा। सोड़ी, अब पता चलेगा कितने फायदे होते। यार मुझे क्यों पूछ रहा है, सीधे अंजलि भाभी से पूछ ले। क्या क्या बीड़ी भाई, क्या पूछना है? नहीं नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी। वो क्या कुछ नहीं, अंजलि भाभी पिड़ू पूछ रहा है, क्या ये भी मेरे साथ खाना खाने पे आ सकता है आपके घर?
अरे भीड़े भाई, ये भी कुछ पूछने की बात है। हाँ अंजनी भाभी, वो परसों शायद मेरे को एक अर्जेंट गड्डी ठीक करनी है, तो मैं शायद ना आ पाऊँ, पर पीड़ू जरूर आएगा। काय हो? काय मदेद? हाँ मदेद मदेद, चलो अभी। हाँ चलते हैं एक मिनट। ओ दया भाभी जी, हम लोग गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हैं, और पीड़ू का ना चार्जर खराब हो गया और मेरा फोन बिगड़ गया, तो आप जेठा भरा को मत बताना कि हम उनकी दुकान पे आ रहे हैं, सरप्राइज देना उनको। सॉरी भाई, भीड़े भाई, आज दुकान चलते ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। की? चापू के पापा दुकान में है ही नहीं, वो सूरत गए हैं। पीड़ू अब क्या? अरे जेठालाल सूरत गए हैं, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे, नटुका का भागा तो होंगे ना भाई। अरे हाँ, करेक्ट है पीड़ू। चाचा जी तो आ गए। हाँ? चाचा जी कुछ उदास नहीं दिख रहे। अरे बापूजी, बापूजी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से अपनी राह देख रही थी। मत पूछ बहू, क्यों देर हो गई? ओ चाचा जी, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, दसो क्यों हुआ? आज कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही। क्या हुआ जरा बताइए तो सही। वो बहू, कुछ गुंडों ने आज बावरी की छेड़खानी की। बावरी के साथ छेड़खानी? और चाचा जी उन्हें दसो कौन थे? उन लोगों को छठी का दूर याद नहीं दिला दिया ना, तो मेरा नाम रोशन सिंह अजीत सिंह छोटी नहीं। थोड़ी देर शांति रख, शांति रख, मैंने मामला सुलझा दिया है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया है और वो लोग समझ गए। तू शांत हो जा। वो हुआ यूं के ये आपने अच्छा किया बापूजी। अच्छा हुआ चाचा जी उन लोगों ने माफी मांग ली, नहीं तो मैं उन लोगों को चाटा मारी। अरे शांति रख, थोड़ी गुंडा हो गई, गुंडे उधर है, मुझे क्या धक्का मार रहा है? सॉरी सॉरी पड़ू। चलो चाचा जी की वजह से ये लोग समझ तो गए, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते कि सुधरते ही नहीं। हाँ, बेचारी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं। नाइतक है, औरतों को खिलौना समझते हैं। अरे महिला सुरक्षा के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, फिर भी लोग डरते ही नहीं है। अरे कानून से नहीं, माता जी से तो डरो। महिला सुरक्षा इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। हाँ, ये सब तो तब खत्म होगा जब हमारी सोच बदलेगी, मानसिकता सुधरेगी, हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा और उसे समान हक देगा। वाह चाचा जी वाह, तुझे तो दिल खुश कर देता। पर चाचा जी, आगे से कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को बुला लिया करो। हाँ हाँ, जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूँगा। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। बापूजी आप घर पे जाइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ चाचा जी। अच्छा है अगर चाचा जी की बातों से वो गुंडे सुधर गए और बावड़ी को फिर से ना छेड़े। बबीता जी, वो लोग छेड़ेंगे तो हम लोग उनको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बराबर। हाँ करेक्ट है सोड़ी, लेकिन अभी हम लोग को जाना है, बहुत काम है। हाँ? हाँ। चलो मिलते हैं माधवी। मी है तो हाँ माधवी भाभी, मी पण ये तो। ओ कल्ला जी, तो तू माधवी भाभी तो खाना जो खिलाना है यार। नट्टू काका, आपने वो मनमीत भाई के पेमेंट की एंट्री कर दी? हाँ अभी की मैंने देख। अरे यारो किया रे परेश भाई, नट्टू काका, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको रोशन सिंह अजीत सिंह सोड़ी की तरफ से अरे इनको बोला ना, एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? वो अगर गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं, और अगर गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी तो ये लोग यहाँ पे कैसे होंगे? कर लो बाबा कर लो, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते। और नटू काका, और धंधा कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, तगड़ा चकदा, फर्स्ट क्लास। और बागा लव इश्क़ मोहब्बत, ठीक, गुड गुड गुड। अरे हाँ चाचा जी ने हमें बताया बाबरी के साथ किसी ने बदतमीजी की। और चिंता मत करना, हम गोकुल धाम वाले सब आप लोगों के साथ। हाँ सोड़ी, लेकिन चाचा जी ने हमें ये भी बताया कि अभी वो गुंडे समझ गए, उन्होंने माफी भी मांग ली ना। समझना ही पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते। अरे सब ठीक है छोटी भाई। अच्छा बागा, छोटी भाई और बड़े भाई के लिए मलाई वाली मस्त लस्सी लेके आ जा। जी। ओ नहीं नहीं नटू काका बागा, ओ मैं जब घर से चला था ना, दो दो गिलास अमृतसरी लस्सी मार के चला था।
आ गया। अच्छा हाँ, और वैसे भी हम जल्दी में है। अच्छा नटू काका, मेरे पास ये चार्जर है लेकिन ये बिगड़ गया है। हाँ तो नया ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नया नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा, तो बागा ये रिपेयर हो सकता है। लाइए भिड़े भाई, मैं देख लूंगा। हाँ ओ बागा, ओ मेरा फोन भी दे गया। ओ पता नहीं है अपने आप ही आजकल ये लटक जाता है, हैंग हो जाता है यार। ओ अच्छा अच्छा, देखना इसको क्या आदत पड़ गई है बार बार अपने आप को लटका देने की। कोई बात नहीं सोडी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ प्लीज। सोडी भाई, इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हाँ इसमें बार बार तो आ रहा है अपडेट करो अपडेट करो, पर कौन सी डेट को करो ये नहीं बता रहा। एक मिनट सोडी भाई। हाँ प्लीज। हो गया, ये लीजिए सोडी भाई, अब आपका फोन हैंग नहीं होगा। ओ सच्ची? ओ क्या बात है मगा, थैंक यू यार। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। अरे बावरी जी क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बाप रे, क्या हुआ बावरी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। ओ बागा, ओ चाचा जी ने तो बताया था कि उन्होंने गुंडों को समझाया था, वो समझ भी गए थे और माफी भी मांग लेती, अभी फिर से उनका दिमाग खराब हो गया क्या? थोड़ी मुझे लगता है उन गुंडों ने ना माफी बोलने का नाटक किया होगा और मौका मिलते फिर से बावरी को छेड़ा होगा। ओए इन गुंडों की इतनी हिम्मत, इतना समझाने के बावजूद फिर से उन्होंने बावरी के साथ छेड़खानी की। उन गुंडों को मार मार के उनकी हड्डी पसलियों को निचोड़ निचोड़ के पाउडर बना दूंगा। हाँ सोड़ी भाई, उन्हें एकदम अच्छे से सबक सिखाना। इस बार तो उन गुंडों ने मुझे बहुत परेशान किया, और इस बार वो लोग दो नहीं 6-7 गुंडे थे। क्या 6-7 गुंडे? हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। चल मैं रखती हूँ। तुम फिर आ गए? अरे मेरी जाने मन, अरे अब सलीम स्पीकर से काय को डरने का? देख तूने अब उनसे माफी मांग ली ना, बापू दोनों का फ्रेंडशिप होने का ही मांगता। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, मतलब तुमने माफी मांगने का नाटक किया था। या ना मेरी जान, अपुन की बस दो ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का और दूसरा जो चीज अपुन को पसंद आया ना उसको नहीं खोना। अपुन को तू पसंद आ गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे। ए जाने मन, तू फिल्में नहीं देखती हा? पहले लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है। तेरा और अपुन का स्टोरी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्या बोलती तू? देखो मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, बैग छोड़ो मेरा। देखो बैग छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बाप रे, पुलिस को बुला लेंगी? रोमियो अपुन को बहुत डर लग रहा है यार, पुलिस अपुन के साथ क्या करेंगे यार? ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी और फिर छूट जाएंगे और फिर इसे छेड़ेंगे। और तू किस किस के खिलाफ कंप्लेन करेगी जान? वैसे इससे मैं तू और भी खूबसूरत लग रही है मेरी जान। चाहने मन तू बस हाँ कर दे, अपुन अपुन जेल जाने को भी तैयार है यार। क्या है ना, अपुन को पुलिस से डर नहीं है, तेरी ना सुनने से डर है। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मचा दे, जितना शोर मचाना है आज मचा ले। आज अपुन भी देखता है कि कौन माइकलाल तेरे को बचाने आता है, तेरा वो संस्कारी बुढ़ाओ या फिर वो तेरा भोला भाला होने वाला पति। जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। अरे अपुन को तो तेरा पीछा करना ही पड़ेगा। अरे अरे जाने मन, रुक रुक। अरे अरे जाने मन कहाँ जाएगी, दुनिया गोल है।
घूम कर तू यही वापस आएगी, तब तक ना अपन लोग यहाँ पर तेरा इंतजार करेंगे क्या? हलू 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 सुनी आराम आराम मैंने। और एक गुंडे ने तो ये भी बोला कि देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने कौन माइकल आता है। माइकल? नहीं नहीं बागा, माइकल नहीं, शायद माइकल लाल बोला होगा, है ना भावरी? हाँ भाई भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। ओए माइकल हो या माइकल लाल हो, इसको मार मार के मैं पूरा लाल कर दूंगा कि अपनी माई को ही भूल जाएगा। नहीं नहीं, इसमें माई की क्या गलती है यार, उतना ही मारूंगा कि ये बस लाल हो जाएगा, माई को नहीं भूलेगा। लेकिन मैंने छट्टा मारी। बाबरी, उन गुंडों को तुम्हारे अपमान करने की बराबर सजा मिलेगी। बिलो, हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें? हमें? हाँ, तो? नहीं, मतलब मैं शिक्षक हूँ ना, मैं बच्चों को सबक सिखा सकता हूँ, ये गुंडों को सबक सिखाने का काम तो पुलिस का है ना, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। नहीं नहीं, पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो गुंडे पुलिस से नहीं डरते। हाँ पीड़े भाई, अगर उन्हें पुलिस का डर होता तो ऐसी हरकत करते ही नहीं। पिड़ो, घी जब सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तब उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये कहावत में उंगली होती है, उंगलियां नहीं। ओ पिड़ो, और गुंडा एक नहीं छह सात है। भुण उंगलियां? हाँ, इसलिए हमको गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, और सबक सिखाना मतलब? मान है पिड़ो, तू शिक्षक हो के ये नहीं समझ पा रहा है कि सबक सिखाना क्या होता है। अरे नहीं, सबक सिखाना क्या होता है ये शिक्षक तरीके मुझे मालूम है, लेकिन तुम शिक्षक नहीं हो ना, तो तुम्हारा सबक सिखाना क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। अब पिड़ो, उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मुझे सब बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, अपने गोकुल नाम के यारों को फोन करते हैं। लेकिन फोन करके बोलना क्या है? उनको बोलना है कि एक अर्जेंट मिशन है, मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई? मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट मेहता साहब, हाथी भाई और अब्दुल को फोन करता हूँ, तू पोपो और अय्यर को फोन कर। हाथी भाई, एक अर्जेंट मिशन के लिए अभी के अभी सारे गोकुल धाम के मर्दों को निकलना है। कौन सा अर्जेंट मिशन? मिशन साफ सफाई। आत्माराम, ये मिशन साफ सफाई है क्या? अय्यर, तुम जेठा के गोडाउन में पहुंचो, सोडी सारी डिटेल वहीं बताने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ सोडी, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ, ऐसे तुरंत कैसे आ सकता हूँ? मेहता साहब, आप तो फायर ब्रिगेड हो, टन 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 करके फटाफट आ जाओ। तू मुझे फटाफट बुला रहा है तो मैं तैयार होकर आऊँ कि नॉर्मल कपड़ों में आऊँ? पोपटलाल, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे भाई, तुम कोई भी कपड़े पहन के आ जाओ ना। अच्छा भीड़, तूने सोसाइटी की मीटिंग जेठालाल के गोडाउन में क्यों रखी? वो तो सोसाइटी की ऑफिस में होनी चाहिए। पोपटलाल, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है भाई, सोशल कॉज के लिए मीटिंग बुलाई है। तुम अभी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन सोडी भाई, मामला क्या है? अब्दुल, मामला बहुत सीरियस है, तू ज्यादा सवाल ना कर, फटाफट जेठा प्रा के गोडाउन पे पहुंच जा। ओके ठीक है सोडी, मैं आता हूँ। हाँ, और एक जरूरी बात, हमारे मिशन साफ सफाई के बारे में सोसाइटी में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ी हम गोकुल धाम वाले हैं, ये बात हम सोसाइटी में सबसे सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे, इतना तो जानते हैं ना हम लोग। ये हुई ना गोकुल धाम के मर्दों वाली बात। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठल के गोड़ा में मिल रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना हम गोकुल धाम वासी अब कैसे उन गुंडों के छक्के छुड़ाते हैं। बिड़ू, तू बागा बाबरी के साथ जेठा प्रा के गोडाउन में ठहर, और मैं आधे घंटे के अंदर मिशन साफ सफाई की तैयारी करके आता हूँ। सोडी भाई, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओए बागा, बाबरी बहुत डरी हुई है, तो उसके साथ ही रुक, उसको हौसला मिलेगा, मैं जाके आता हूँ। लेकिन सोडी भाई, तू एग्जैक्टली क्या करने वाला है? पिड़ू, वो सब मैं आके बताता हूँ, अभी मैं फटाफट जाता हूँ और दौड़ के फटाफट वापस आता हूँ, समझ गया? मैं छोड़ूंगा नहीं। काय करना रे? हाँ काय माये, बादब बामुलाइजा होशियार, सोड़ी आ रहा है तुम्हारी खबर लेने, गुंडो खबरदार, अब बजेगा बैंड, और आ गए हैं बाराती भी, और इस मैदान में कूद पड़े हैं गोकुल धाम के साथी भी। बावरी का बदला लेने की सोढ़ी ने ली है ठान, लेकिन सारे सोच रहे हैं आखिर क्या है उसका प्लान। गुंडों की अब खैर नहीं है, होगा बहुत बुरा हाल, यहाँ पे होने वाला है टोटल मस्ती और धमाल, यहाँ होगा धमाल और आप लेंगे मजे, देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा 8:30 बजे, देखते रहिए मस्त रहिए। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.